मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? जब कोई काम पास्ट में हो गया, पूरा हो गया, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? उस सिचुएशन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टेंस का यूज हम स्टोरीज में बहुत करते हैं। ठीक है, या हम कोई पास्ट में हैबिचुअल है, कोई हैबिट को बताने के लिए, हम कोई हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, कोई हैबिट को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, मैंने टीवी देखा, तो मतलब ये काम पास्ट में हो गया। या मैं टीवी देखता था, तो ये भी कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। सिचुएशन क्या है कि पास्ट में काम पूरा हो गया। आपको रटना नहीं है कि इसमें ये आएगा या ई, आपको रटना नहीं है या इसमें ये आएगा ता थी। बस ये तो आपको हिंदी आप जानते हैं इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन सिचुएशन आप देखिए कि जब कोई काम पास्ट में हो गया है, जब कोई काम पास्ट में हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो इस मीन्स उसमें कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। कल हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसी जगह हम नेगेटिव रूल बताएं तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं। ओके, देखिए बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, उन सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका पहले आप रूल समझिए कि इसको बनाने का रूल क्या है। देखिए क्या होता है उसका रूल। डिड पहले क्या आता है? डिड, जो हम डिड नॉट लगा रहे थे ना, तो उसका जो डिड होता है वो पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और एज यू नो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इट मींस दैट क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा। ठीक है, तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सपोज कोई इंटरोगेटिव वर्ड है जैसे व्हाई, व्हिच, हु, हाउ, तो इंटरोगेटिव वर्ड के कैसे बनाएंगे? फिर हम पहले इंटरोगेटिव वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। ओके, जैसे क्या लिखा है? क्या उसने ताजमहल देखा? क्या उसने ताजमहल देखा? या हम इसकी एक तरीके से और भी बना सकते हैं, क्या वह ताजमहल देखता था? ठीक है, तो पहले क्या की इंग्लिश क्या आएगी? डिड। ओके, डिड, अब उसने मतलब ही, डिड ही, देखना मतलब सी, और सी की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, तो सी, तो डिड ही सी, अब क्या? ताजमहल। डिड ही सी ताजमहल, द ताजमहल। ओके, डिड ही सी द ताजमहल, और फिर क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। हमने पूछा क्या उसने ताजमहल देखा? डिड ही सी द ताजमहल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। क्या उसने मुझसे बात की? या हम इसका ऐसे भी बना सकते हैं, क्या वह मुझसे बात करता था? ठीक है, तो हमें जिस तरीके से हिंदी सूट करती है उस तरीके से हम इस हिंदी बना लेते हैं। तो क्या उसने मुझसे बात की मतलब डिड। ओके, उसने मतलब ही, डिड ही। अब बात करने की क्या होती है बच्चों? टॉक, तो डिड ही टॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, डिड ही टॉक, फिर टू, फिर मी, और क्या? क्वेश्चन मार्क। डिड ही टॉक टू मी, क्या उसने मुझसे बात की? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
तुमने कौन सा खेल खेला। अब ये क्या आ गया, इंटरोगेटिव वर्ड आ गया ना, कौन सा। तो कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच। कौन सा मीन्स विच। अब विच खेल, खेल मीन्स गेम। कौन सा खेल पूरे की एक साथ इंग्लिश आएगी क्या, विच गेम, विच गेम। अब क्या आएगा बच्चों, डिड। क्या आएगा, डिड। अगर आप रूल अच्छे से समझ लेंगे, उसका सीक्वेंस अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके सारी चीजें इजी हैं, फिर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो विच गेम डिड, तुमने मतलब यू, विच गेम डिड यू। खेला मतलब प्ले, तो विच गेम डिड यू प्ले। तुमने कौन सा खेल खेला, विच गेम डिड यू प्ले। ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, तुमने मुझे फोन किया। तो इसका हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, जैसा हम हर बार हर क्लास में करते हैं, इसी वे में हम बनाएंगे। तो तुमने मुझे फोन किया, तुमने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, यू। तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू, अब तुमने मुझे फोन किया, ये काम पास्ट में हो गया ना, ये काम पास्ट में पूरा हो गया। तुमने मुझे फोन किया, यू। अब करने की क्या होती है बच्चों, फोन करना। फोन करना मतलब किसी को कॉल करना, तो यू कॉल। अब यहाँ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमने पढ़ा है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यू कॉल्ड मुझे मतलब मी, यू कॉल्ड मी फुल स्टॉप। तुमने मुझे फोन किया, यू कॉल्ड मी। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे इसका, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, डिड नॉट, तो यू डिड नॉट। अब कॉल्ड है ये सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मीन्स कॉल, तो यू डिड नॉट कॉल मी। क्या बनेगा सेंटेंस, यू डिड नॉट कॉल मी, तुमने मुझे फोन नहीं किया। अब क्या बनाएंगे बच्चों उसका, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तुमने मुझे, क्या तुमने मुझे फोन किया, क्या तुमने मुझे फोन किया, कैसे बनेगा, क्या मीन्स डिड पहले आ जाएगा, डिड, फिर यू, डिड यू, फिर वर्ब कॉल, देन मी, तो डिड यू कॉल मी और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, तो डिड यू कॉल मी क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने मुझे फोन किया, डिड यू कॉल मी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, डिड यू नॉट कॉल मी, तुमने मुझे, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया। ये बच्चों हम ये डिड नॉट ये इस तरीके से लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट, डिडंट यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया, डिडंट यू कॉल मी क्वेश्चन मार्क, डिडंट यू कॉल मी, तो इसको हम आगे पूरा डिडंट भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, डिड यू नॉट कॉल, तो ये अच्छा बोलने में लगता है ना, डिडंट यू कॉल मी, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे डू यू नॉट कॉल मी, अच्छा क्या लग रहा है, डिडंट यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फोन नहीं किया। ओके, तो ये अब जैसे मैं आपसे बोलूं, तुमने मुझे कब फोन किया, तुमने मुझे कब फोन किया, उसकी कैसे बनाएंगे, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, व्हेन। अब फिर क्या आएगा, डिड, व्हेन डिड यू, फिर कॉल, फिर मी और क्वेश्चन मार्क, व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कब फोन किया, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं ना, व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कब फोन किया। तो इस तरीके से हमने कौन सा देखा, पॉजिटिव भी बनाया, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड विद द इंटरोगेटिव वर्ड। ओके, चलिए अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कल उसकी वर्कशीट में 1 to 10 सेंटेंसेस कर लिए थे ना, तो आपको समझ में आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स कोई काम पास्ट में हो गया। ठीक है, चलिए अब हम वर्कशीट के आगे के सेंटेंसेस की हिंदी बनाते हैं। ओके,
चलिए अब हम अपनी वर्कशीट के आगे के सेंटेंसेस की हिंदी बनाते हैं। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं। ओके बच्चों, तो पहला सेंटेंस है, डिड यू नीड टू फ्लैटर योर बॉस? डिड यू नीड, कैसे बनेगी इसकी हिंदी? डिड मीन्स क्या, यू तुम्हें, नीड मतलब ज़रूरत, क्या तुम्हें ज़रूरत थी, क्या तुम्हें ज़रूरत थी या फिर क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ी। ओके, टू फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, मतलब उसके आगे पीछे घूमना। तो क्या तुम्हें चापलूसी करने की ज़रूरत पड़ी? योर बॉस, किसकी? अपने बॉस की। तो क्या तुम्हें अपने बॉस की चापलूसी करने की ज़रूरत पड़ी? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, डिड ही फ्लॉस हिज टीथ एट लीस्ट 3 times a week? डिड ही फ्लॉस, फ्लॉस मीन्स क्या होता है, धागे से दांतों को साफ करना, ठीक है, धागे से साफ करना। तो क्या है, डिड ही फ्लॉस, क्या उसने, हिज टीथ, क्या उसने अपने दांत धागे से साफ किए? एट लीस्ट, कम से कम, 3 times मतलब 3 बार, अ वीक, एक हफ्ते में। तो क्या बनी इसकी हिंदी बच्चों, क्या उसने एक हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने दांत धागे से साफ किए? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डिड द पिजन्स फ्लाई अवे बिफोर इवनिंग ? डिड द पिजन्स, पिजन्स मीन्स कबूतर, तो क्या कबूतर फ्लाई अवे, फ्लाई अवे मीन्स क्या होता है, दूर उड़ना, दूर उड़ना, तो क्या कबूतर दूर उड़ गए, गए है ना, वो काम पास में हो गया, कंप्लीट हो गया, बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग मीन्स शाम होने से पहले, तो क्या कबूतर शाम होने से पहले उड़ गए, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, डिड शी किस एंड फॉन्डल हर बेबी व्हाइल ही वॉज क्राइंग? क्वेश्चन मार्क, डिड शी किस, डिड शी किस मीन्स क्या उसने किस की, क्या उसने किस की, ओके, या क्या उसने प्यार किया। एंड फॉन्डल, फॉन्डल मीन्स क्या होता है, प्यार से थपथपाना, तो क्या उसने प्यार किया और प्यार से थपथपाया हर बेबी अपने बच्चे को वाइल, जबकि ही वॉज क्राइंग मतलब वह रो रहा था। इसका मतलब ये क्या है कि जब बच्चा रो रहा था तो क्या उसने अपने बच्चे को प्यार किया और प्यार से थपथपाया, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जबकि मतलब यहाँ पर जबकि नहीं आएगी वाइल के हिंदी, हम लगाएंगे जब, तो कैसे बनाएंगे इसकी, क्या उसने अपने बच्चे को प्यार किया और प्यार से थपथपाया जब वह रो रहा था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डिड दे फॉरगेट टू पुट आउट द फायर बिफोर दे गो होम? फॉरगेट मीन्स क्या होता है बच्चों, भूल जाना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, तो क्या वे भूल गए? टू पुट आउट, टू पुट आउट मीन्स टू पुट आउट द फायर, इसकी हिंदी क्या है, आग लगाकर, क्या वे आग लगाकर भूल गए? बिफोर दे गो होम मतलब घर जाने से पहले, अब बार बार देख इंग्लिश वे नहीं आएगी कि वे घर जाने से पहले, कैसे बनाएंगे, घर जाने से पहले, पहले जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस है उसकी हिंदी बनाएंगे हम पहले, क्या घर जाने से पहले क्या वे आग लगाकर, आग लगाना, आग लगाकर भूल गए, तो ऐसे बनाएंगे, क्या वे घर जाने से पहले आग लगाकर भूल गए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, व्हाई डिड ही बेग यू टू फॉरगिव हर? अब वाई है इंटरोगेटिव वर्ड है, वाई की हिंदी क्या होगी, क्यों, वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों, तो क्या अब क्यों बीच में आएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्यों नहीं लिखेंगे, तो क्या बनेगा, ही उसने, बैग मीन्स भीख मांगी, उसने भी क्यों मांगी, ठीक है।
यू मीन्स तुमसे, उसने तुमसे भीख क्यों मांगी। टू फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स क्या होता है बच्चों, हमने वर्ब सेट टेन लर्न किया ना, तो फॉरगिव मीन्स क्या होता है, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, फॉरगिव मीन्स क्या होता है, माफ़ करना। ठीक है, तो क्या क्या बनी उसने फिर हिंदी, टू फॉरगिव हर मीन्स उसे माफ़ करने के लिए, उसने उसे माफ़ करने के लिए तुमसे भीख क्यों मांगी और क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन डिड यू फ्रेम दोज पिक्चर्स डैट आई ब्रॉट इन लास्ट वीक। व्हेन, व्हेन भी इंटरोगेटिव वर्ड है और जिसकी हिंदी क्या होती है, कब। तो व्हेन डिड यू फ्रेम, फ्रेम मीन्स क्या होता है, फ्रेम मीन्स क्या होता है बच्चों, रचना करना। ठीक है, तो तुम फिर क्या बने, व्हेन डिड यू फ्रेम मीन्स तुमने कब रचना की दोस पिक्चर्स, दोस पिक्चर्स मीन्स उन पिक्चर्स की, उन तस्वीरों की, तुमने उन तस्वीरों की रचना कब की। दैट कौन सी तस्वीरें, जो आई ब्रॉट इन लास्ट वीक, जो मैं पिछले हफ्ते लाया, मतलब क्या बनी, तुमने उन तस्वीरों की रचना कब की जो मैं पिछले हफ्ते लाया। ठीक है, व्हेन डिड यू फ्रेम दोज पिक्चर्स डैट आई ब्रॉट इन लास्ट वीक, तो तुमने उन पिक्चर्स की, उन तस्वीरों की रचना कब की जो मैं पिछले हफ्ते लाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट डिड द गवर्नमेंट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट मीन्स क्या, तो गवर्नमेंट मीन्स सरकार, सरकार ने क्या यूज उपयोग किया, सरकार ने क्या उपयोग किया टू जनरेट, जनरेट मीन्स उत्पन्न करने के लिए, सरकार ने उत्पन्न करने के लिए, सरकार ने उत्पन्न करने के लिए क्या किया, किसको उत्पन्न करने के लिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, तो सरकार ने बिजली को उत्पन्न करने के लिए क्या उपयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ मच वाटर डिड प्लांट नीड टू जर्मिनेट। हाउ मच वाटर, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, तो हाउ मच वाटर मतलब कितना पानी, डिड प्लांट, डिड प्लांट नीड मतलब पौधों को ज़रूरत हुई, कितने पानी की पौधों को ज़रूरत हुई टू जर्मिनेट, जर्मिनेट मीन्स क्या होता है, अंकुर निकालना, तो पौधों को अंकुर निकालने के लिए कितने पानी की ज़रूरत थी क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु गॉट इन टू अ टेम्पर एंड बिगिन्स शाउटिंग एट हिम। हु गॉट इन टू अ टेम्पर, हु मीन्स कौन, तो क्या, हु गॉट इन टू अ टेम्पर, गॉट गेट इन टू मतलब स्थिति में पहुँचना, किस स्थिति में पहुँचना, तो कौन गुस्से की स्थिति में पहुँचा, एंड बिगेन और शुरू किया शाउटिंग एट हिम, और बिगेन मतलब उस पर चिल्लाना, शाउटिंग एट हिम मीन्स उस पर चिल्लाना, तो कौन गुस्से की स्थिति में पहुँचा और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आई बात समझ में, तो ये थे आपके 11-20 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है बच्चों, 11-20 सेंटेंसेस की क्या बनानी है, हिंदी। ओके,